Hello everyone, hope you all are fine. Today we are going to learn about two famous sculpture. Okay, number first is cymbal player. Okay, इसका जो थीम है अ स्टैंडिंग लेडी म्यूजिशियन प्लेइंग सिंबल. ओके, इसमें एक लेडी को दिखाया हुआ है जो कि सिंबल को प्ले कर रही है. ओके, जो ये स्कल्पचर है ये स्टोन में बना हुआ है और ये 13th century AD का है. ओके, ये इसकी जो लोकेशन है वो है 5th temple एट कोणार्क इन ओडिशा. ओके, जो ओडिशा आर्किटेक्चर है इसकी जो सबसे बड़ी सुप्रीम अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वह है सन टेम्पल जो कोणार्क में है और ये गंगा किंग नरसिम्हा देवा जो फर्स्ट है उसके शासनकाल के समय में बनाया गया था. ओके, सन टेम्पल की जो परिकल्पना मतलब जो वो बनाया गया था वो सन गॉड के ह्यूज चैरिट्स यानी जो कि रथ थे उसके ऊपर बनाया गया था जिसके अंदर 12 pair के ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट व्हील्स थे जो कि 7 horses के द्वारा खींचा गया था. ओके, इसमें 1000 images हैं जिसमें डाइटीज म्यूजिशियन डांसर लवर्स जो है उनको इरोटिक पोस्टर्स में दिखाया है. वहीं पर दरबारी जीवन के दृश्य और शिकार करते हुए दिखाया है. ओके, इसमें कहीं पे मिलिट्री बैटल्स को भी दिखाया है. ओके, जो बेसिकली ये सिंबल प्लेयर स्कल्पचर है इस स्कल्पचर के अंदर एक फीमेल म्यूजिशियन को दिखाया है. ओके, ये सिंबल प्लेयर जो है इसके हाथ में एक सिंबल को दिखाया है. ओके, ये जो है अपने पैरों को झुकाए हुए खड़ी है और उनके पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है क्योंकि ये झुकी हुई खड़ी है. ओके, इसके बड़े बड़े इयररिंग्स ब्रेसलेट आर्मलेट लोयन क्लोथ के साथ उसको बनाया गया है. ओके, जो इसका राउंड फेस है उसको एक ब्यूटीफुली कार्व किया गया है. इसमें ब्रोज वेल डिफाइंड नोज लिप्स बनाए हुए हैं. इसमें जो लिप्स हैं वो ऐसे बनाए हैं जैसे किसी का वो वेलकम कर रहे हैं. ओके, अगर हम ओवरऑल इस पिक्चर को देखते हैं तो ये इंडियन सेंशुअल जो इंडियन फीमेल बॉडी है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, बाद हमारा जो सेकंड स्कल्पचर है वो है मदर एंड चाइल्ड. ओके, ये वाइट मार्बल से बना हुआ है. ये 13th century AD का है. ओके, इसकी जो लोकेशन है वो है विमल शाह टेम्पल दिलवारा माउंट आबू राजस्थान. ओके, इसकी जो डायनेस्टी है वो है सोलंकी और जिसकी कर्टेसी है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो ये है अ सीटेड मदर होल्डिंग हर चाइल्ड. जैन आर्किटेक्चर का जो सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है वो है विमल शाह टेम्पल जो कि गुजरात के चालुक्य किंग भीमदेव फर्स्ट के मंत्री विमल शाह ने बनवाया. ये टेम्पल आदिनाथ को डिवोटेड है. किसको डिवोटेड है? आदिनाथ को. यहाँ सभी जो पिलर हैं मंडप हैं आर्चेज यानी जो मेहराब हैं कॉरिडोर्स और जो डोरवेज हैं जो द्वार बने हुए हैं वहाँ पर कार्विंग की गई है. ओके, मतलब मीन्स यहाँ पे जो भी पिलर्स मंडप जो भी हैं यहाँ पर हर किसी को कार्व करके अच्छे से डेकोरेट करके बनाया गया है. इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है. इसमें जो आर्टिस्ट है उसने कार्विंग के लिए चेजल यानी छेनी का यूज़ ना करके एक फाइल का यूज़ किया है जो कि छोटे औजार होते हैं उनका प्रयोग किया है. ओके, इस मूर्ति में एक माँ को येली के समान एक छोटे से लोयन जैसे प्राणी के ऊपर बैठे हुए दिखाया है. ओके, इसका जो है एक पैर पद्मासन की तरह मुड़ा हुआ है. इसका एक पैर पद्मासन की तरह मुड़ा हुआ है और जो दूसरा पैर है वो नीचे की ओर लटका हुआ है. इसमें एक बच्चा जो है वो लैप यानी गोद में बैठकर ऊपर की ओर देख रहा है. ओके, और इसमें जो फीमेल है उसका जो लेफ्ट हैंड है वो बच्चे को पकड़ते हुए दिखाया है. वहीं जो इसका राइट हैंड है वो लोटस बर्ड को नीचे जो गिरते हुए हैं उनको बनाया है. ओके, इसमें जो मदर है उसको हेवनली ऑर्नामेंट नेकलेस के साथ दिखाया है और इसमें कमरबंद ज्वेल्स क्राउन के साथ दिखाया है. जो पीछे इन्होंने लोटस बर्ड को बनाया है वो सेमी सर्कल में है जो कि एक हालो जैसा लग रहा है. ओके, इसके अंदर राउंड फेस को दिखाया है डिफाइंड नोज लिप्स ब्रोज आर्चेस आदि सबको अच्छे से बनाया हुआ है. ओके, इसमें जो इसकी आईब्रो हैं वो धनुषाकार हैं बट वो ज़्यादा उठी हुई नहीं है. ओके, जो इनकी आईज हैं वो एलोगेंटेड है. ओके क्लास, ये थे हमारे आज के दो स्कल्पचर.
mother and child, and second is cerebral player. Okay, goodbye everyone, see you in next video.